आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक साथ एक नई फ्रॉक लेकर आई हूँ जो एक हैंकी की तरह बनती है और इसके चुनटे बहुत अच्छे आते हैं और स्टाइलिश कह लो इसको। ये मैंने सूट से बचे पीस से बनाई है, देखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत आसान है। जिससे मैंने ऐसे बेल्ट लगाई है और आगे से ऐसे। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बनाते हैं। सोलह इंच मैंने इसकी लंबाई ली, चौड़ाई ली है, 16 16 32 हो गई और 16 ही लेंथ ली है। ये मैंने डबल कर लिया, ये देखो चार तह हैं बना ली। अब हमने चार तह हैं बनाकर हमने यहाँ से 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से और 3 इंच सेंटर में। ये हमने जिधर अम्ब्रेला फ्रॉक करते ना वहाँ ऐसे गुलाई कर ली। अब हम इसको काट देंगे। ये देखो ऐसे आ जाएगी। अब हम उसकी ऊपरली बॉडी काटते हैं। बॉडी के लिए मैंने आठ इंच लंबाई और 4 इंच मैंने चौड़ाई ली है। ये भी मैंने फोर हिस्से किया है इसके, 4 हिस्से मैंने इसको दो डबल लेकर डबल कर लिया और ये भी मैंने डबल ही लिए हैं। यहाँ ये भी हम काट देते हैं। गला हमने 2.5 इंच ढाई इंच लंबा और 2.5 इंच मैंने चौड़ा लिया। अब इसको भी हम काट देते हैं। इसके हम अकेले अकेले पीस कर लेते हैं, ये पीछे वाला ये आगे वाला। पीछे वाला थोड़ा छोटा काटते हैं। ये हमने यहाँ पीस लगाना, इस अंदर हमने फ्रिल लगानी है। ये भी हमने 4 हिस्से लिए, इसके भी 4 हिस्से लिए। ये भी हम यहाँ से आपको बता देती हूँ, 1.5 इंच की हमने, ये देखो 1.5 इंच की हमने और इधर सीधा ऐसे लगा दिया। बीच में हम इसको काट देते हैं। ये हमने फ्रिले लिए
इसके भी हम थोड़ी सी फिर गलाई कर लेते हैं। ये 40-40 इंच की मैंने फ्रिल ली है, 40-40 इंच की। दो कलर में मैंने बना रही हूँ फ्रॉक, सूट के बचे हुए पीस से मैंने बनाई है ये फ्रॉक। ये मैंने स्टेप्स लिए बेल्ट, ये मैंने इतने, चार इंच चौड़े और 25 इंच लंबे लिए। ये हमने फ्रॉक हमारी ये कटिंग हो गई। अब आपको मैं स्टिचिंग बनाना भी सिखाऊंगी। अब हम स्टिचिंग इसकी करेंगे। ये देखो मैंने ये तीरे हमने जोड़ लिए, ये तीरे मैंने जोड़ लिए। अब इसके हमने फ्रिल बना के लगानी है। जब हमने मैंने धागा खींच के चोने डाल ली है, ऐसे मैंने जहाँ से पूरी सिलाई ऐसे लगा ली सीधी मोटा बखिया करके, फिर इसको हमने ऐसे खींच के चोने डाल लेनी है ऐसे ऐसे। और फिर देखो ये हमने ऐसे लगानी है जो हमने ये हमने यहाँ लगाना है जहाँ। आपको मैं स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने बेल्ट बना ली है, इसको मैंने सीधी कर लिया ऐसे सीकर और सीधा कर लिया। अब हम ये तैयार करेंगे फिर आगे आपको बताती हूँ। मैंने पीछे एक बटन होल की तरह बना लिया ये ऐसे, जहाँ हम एक बटन लगा देंगे क्योंकि बच्चों के डालना मुश्किल हो जाता ना, ऐसे बना लेंगे बटन लगा लेंगे। ये मैंने सीधा काट के बीच सेंटर में कपड़ा लगा कर सीधा कर लिया। अब आपको मैं स्टिचिंग करना सिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने फिर जहाँ और बेल्ट भी हम यहाँ रख लेंगे, इसकी साथ ही बेल्ट रखेंगे। और साथ ही ये फ्रिल नीचे रखेंगे, बेल्ट ऊपर रखेंगे। चौनों एक साथ बराबर करते जाओ साथ साथ में। ये फ्रिल लगाने का मतलब ये है कि हमारे बाजू बीच में निकल आएगी, एक्स्ट्रा बाजू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
से थोड़ा सा बराबर कर लेना, एक साथ हर। ऐसे हमने दूसरा भी रख लिया है। ये देखो जैसे हमारी तैयार हो गई। इसी तरह हम दूसरी भी लगा लेते हैं, इसी तरह दूसरी भी लगा लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये बेल्ट ना हमेशा एस फ्रिल के नीचे रखनी है, ये ध्यान रखना आपने। कि बेल्ट इधर आए कि छोटी तरफ, क्योंकि ये बेल्ट ऊपर आ गई ना इसके ऊपर तो फिर ये फ्रिल अच्छी नहीं लगेगी, इसके नीचे आनी चाहिए। ये देखो इसके नीचे। अब हम एक सीन ऊपर लगा लेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, हमारी सारी फ्रिल की सीने ना बैठ जाएंगी। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इससे थोड़ी सफाई हो जाती है, फिर बिल्कुल बैठ जाएगी अपने हिसाब से। बेल्ट हमने दोनों तरफ से आगे लगाई तो दोनों तरफ आगे ही लगनी है।
ये देखो, ये हमारी फ्रिल तैयार हो गई। अब गले की पाइपिंग लगा लेंगे गले पे। उसके बाद हमने नीचे वाली बॉडी लगाएंगे। पहले गले की फ्रिल हम लगाते हैं। ये हमारे पास रेप कपड़ा है, इसकी हम फ्रिल बना लेंगे। सॉरी, पाइपिंग। थोड़ी चौड़ी काटेंगे क्योंकि हमने ऊपर ज्यादा मोटी लगानी नजर आनी चाहिए। अब इसके हम यहां से तैयार हो गई। अब हम गले पे लगा लेते हैं। उल्टी तरफ हम रख लेंगे पाइपिंग। पाइपिंग नीचे हम इसे फोल्ड कर देंगे। बड़ी सफाई से ऐसे ऐसे पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसको आगे हम फिर नीचे लगाएंगे घेरा। अब हम साइड की
ये सीन लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी भी लगा लेंगे। ये हमारी गले की पाइप की भी लग गई। ये देखो, अब हम नीचे का घघरी लगा देंगे। ये देखो ऐसे, हम थोड़ा निशान लगा लेंगे। ऐसे हम इस सिलाई को पूरी कर देंगे। मैंने 2 इंच की लंबी पट्टी काट ली है। ये देखो लंबी पट्टी मैंने काट ली, जो हम घेरे के ऊपर लगाएंगे। ऐसे फ्रॉक सीधी रख लेंगे और नीचे ये रखेंगे ऐसे। पूरी तरफ से ऐसे ही लगा लेंगे। नीचे से लगाएंगे ना, अच्छी लगेगी, जरा ना कलरफुल हो जाएगी। पूरी 4 चफेरे हम ऐसे ही लगा लेंगे। फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, सीधे तरफ से ना, फिर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे पूरी तरफ से लगा के फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। जब कॉर्नर आए ना तो इसे ऐसे घुमा लेंगे, कपड़ा सुई दबा कर ना इसको घुमाना, कपड़े को नीचे वाले को कुछ नहीं करना, इसको ऐसे घुमा लेंगे। ऐसा पूरा कंप्लीट कर लेंगे।